तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, सभी की क्लासेस भी अच्छी खासी चलेंगी। और इसी यूनिवर्सिटी यात्रा की सीरीज हमारी जैसे चल रही थी, और उसी सीरीज में हम आज बात करेंगे आपकी सीरीज नंबर 6 का। ये कॉलेज कौन सा होने, यूनिवर्सिटी कौन सी होने वाली है बच्चा लोग? आपकी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसे DTU के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, और इस ये मैक्सिमम कोर्सेज आपको बीटेक के कोर्सेज ही प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बीटेक के मैक्सिमम प्रोवाइड तो करवाती है, बट ये कुछ कोर्सेज आपको CUET के अंदर, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आपके प्रोवाइड करवाती है। वो कौन से कोर्सेज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और फिर जो आपके डोमेन वोमेन रखने हैं वो सब क्या रखने हैं CUET के अंदर, वो सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उससे बेहतर हम बात करें, उससे पहले तो इस कॉलेज का, ठीक है, जो एलुमनाइज रैंक वो है ना, बहुत तगड़ी है। ठीक है, जो इसके एलुमनाइज निकले हुए हैं ये काफी तगड़े हैं। कौन कौन से हैं, अगर मैं पहले नंबर की बात करता हूँ तो आपके यहाँ पे जो पेटीएम के फाउंडर, ठीक है, जो पेटीएम के फाउंडर है बच्चा लोग ना, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, जैसे विजय शेखर शर्मा हो गए, अरविंद सक्सेना, ठीक है, जो UPSC चेयरमैन रह चुके हैं, ये भी आपके यहीं से पढ़े लिखे हैं। देन को फाउंडर ऑफ फूड पांडा रोहित चड्ढा, ठीक है, ये सभी लोग, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे मतलब आपके पद्मश्री अवार्डेड है, काफी सारे लोग हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं। ठीक है, जिसकी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बस बेसिकली आज इस वीडियो में बात करें CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी चीजें हम CUET पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आपके एग्जाम डेट्स भी आ चुके हैं, आपकी आई होप बच्चा लोग आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो बिल्कुल अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, टाइम बहुत देर नहीं हुआ है, आप अपनी प्रिपरेशन 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर सकते हो। जिसकी ऑलमोस्ट सभी स्ट्रेटेजी, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे ओवरऑल हो, या फिर आपकी GT की हो, लैंग्वेज की हो, किसी भी चीज की आपकी स्ट्रेटेजी हो, या फिर पढ़ना कैसे आपको, एक जो आपको रोडमैप चाहिए, तो वो सभी रोडमैप की वीडियोस हमने आपकी यूट्यूब चैनल यूनिमॉक्स पर अपलोड कर दी, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करें DTU के कॉलेज के बारे में। तो हम जो CUET के अंदर, ठीक है, जो CUET के अंदर ये जो दो कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराती है वो कौन कौन से, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो कोर्स ये प्रोवाइड कराती है आपको क्या है, BA ऑनर्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के ये कोर्स प्रोवाइड करती है, किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपको प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर, ठीक है, अगर आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो आपको CUET के अंदर क्या लेना पड़ेगा कि आप इस कॉलेज के लिए BA ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो डोमेन के अंदर बच्चे लोग आपको क्या रखना है, मैथमेटिक्स सेक्शन 2, ठीक है, डोमेन वाला जो सेक्शन है, एक पहला आपका लैंग्वेज होता है, सेकंड डोमेन होता है, थर्ड होता है GT जनरल टेस्ट। ठीक है, तो हमें सेक्शन 2 से मैथमेटिक्स तो लेना ही लेना है, देन इसके अलावा एनी 2 अदर सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, उसी सेक्शन 2 से हमें 2 सब्जेक्ट को और लेना है। ठीक है, एक मैथमेटिक्स आपका हो गया, ठीक है, एक मैथमेटिक्स आपका बच्चा हो गया, और प्लस 2 2 और हमें लेना है, टोटली हमें 3 लेना है इसके लिए। ठीक है, टोटली 3 सब्जेक्ट हमें इसके लिए रखना है, और जो आपको सब्जेक्ट रखना है, इन सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आपको CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई बच्चा लोग, बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, इसके अलावा भी आपको कुछ रखना है, अभी तो डोमेन का बात हमने किया, देन इसके अलावा एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A। ठीक है, अब लैंग्वेज हमें लेना है, लैंग्वेज सेक्शन 1A से जितने लैंग्वेज आपको वहां पे CUET की ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड कराती है, वहां से आपको किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करें और उसी में अपना एग्जाम अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये सभी चीजें आपको यहां रखनी है, मतलब आपको डोमेन से 3 सब्जेक्ट लेने हैं और लैंग्वेज 1 लेना है। ठीक है, ये आपकी फिक्स हो गई, अब इसको आपने इसको फुलफिल कर दिया तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन जैसे ही आप एग्जाम देते हो, एग्जाम का जैसा कट ऑफ आते हैं, आपके नंबर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है। ये बात को याद रखना बच्चा, जैसा आप मतलब आप जब CUET का एग्जाम दोगे ना, आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर लाना है। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्जाम हो रहा है, हर मतलब इंडिया के हर कोने कोने से बच्चा है पार्टिसिपेट करेगा, और सभी की ड्रीम यूनिवर्सिटी जब मतलब जो होती है, सभी तो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, टॉप की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, बच्चे का पहला ड्रीम बच्चा वही सोचता है, सर हम इस कॉलेज में जाएंगे, चाहे वो DU हो, JNU हो, BHU हो, ये सभी यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ड्रीम की आती है बच्चों की। और वही में उसी लिस्ट में आपका DTU भी आता है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम बात करें क्लास 12 की, जो आपका होना चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो क्या होना चाहिए। तो क्लास 12 के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है, क्लास 12 के अंदर 50% का मार्क्स आपका होना चाहिए विद सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स साथ आपका क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है बच्चा लोग, अगर आप लोग BA इकोनॉमिक्स करने जा रहे हो तो आपके पास मैथ का सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो 50% मार्क्स साथ आपको पास आउट होना है क्या, क्लास 12।
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 45, मतलब जनरल कैटेगरी 50% है, उसी जगह 45% मार्क्स है किसके लिए? ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल लेकर चले तो आपको 50% मार्क्स लेकर आना है। और आई होप बच्चा लोग आप सीयूटी का मतलब आप क्लास 12 का बोर्ड का जो एग्जाम होगा आप इसमें गारंटी है 50% से मार्क्स ऊपर लेकर ही आओगे। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड कोर्स जो हमें ये प्रोवाइड कराती है, ऑफर करती है, ये हमारा कौन सा? बीबीए। ठीक है, ये हमें बीबीएस कोर्स ये प्रोवाइड कराती है जिससे डोमेन की बात करें। ठीक है, सीयूईटी के अंदर जो हमें डोमेन रखना है या फिर जो जनरल टेस्ट रखना है, लैंग्वेज रखना है, वो कौन कौन से हमें रखना है उसकी अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 1A के थ्रू हमें रखना है क्या? इंग्लिश। सेक्शन 1 में काफी सारे लैंग्वेज होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे क्या रखना है? हमें इंग्लिश को लेकर चलना है। और सेक्शन 3 से हमें क्या लेना है? जीटी जनरल टेस्ट लेना है। ठीक है, अब रही इंग्लिश की बात, सेक्शन 1 की इंग्लिश की बात करें या फिर जनरल टेस्ट की बात करें, इसका ओवरऑल पूरा पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो सभी चीजें हमने पूरी यूट्यूब चैनल पे हमने बात कर रखी है। ठीक है, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन पे आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बीबीए करना है तो आपको क्या लेना है? सेक्शन 1 से इंग्लिश लेना है और उसी जगह जनरल टेस्ट आपको लेना है सेक्शन 3 से। ठीक है, क्लास 12 के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से उसी तरह है, बीए इकोनॉमिक्स की तरह मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए विथ इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है बच्चा लोग, वहां पे मैथमेटिक्स था, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, आपको इंग्लिश होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। देन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 40% मार्क्स होना चाहिए, सॉरी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपका 40% मार्क्स है, वहीं पे आपका ओबीसी के लिए 45% है। जैसा कि पिछले वाले कोर्स के जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स था जैसा उसमें बात किया था, सेम एज इट इज आपका वही है। ठीक है, तो जिस भी आप कोर्स के लिए तैयारी करो अपनी प्रिपरेशन 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपके पास एग्जाम डेट्स हैं, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगी ये भी आपको पता चल ही गया है, और वो नहीं पता चला गया तो उसके लिए भी आप नोटिफिकेशन चेकआउट करते रहो जिसकी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम यूनिमॉन्क्स चैनल पे मिलती रहेगी। तो अभी के लिए आप इतना बता रहे हो, आप डिड्यूस अगर कौन सा कोर्स करने जा रहे हो और किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, मतलब 24 में कितना आपका प्रिपरेशन है, ये सभी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।